वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एके जी भाई साहब। वेलकम बैक टू अनदर मॉर्निंग किक ऑफ विद एके जी का एपिसोड, जहाँ पे अपन रोज सुबह जो है वो फुटबॉल की न्यूज़ को जो है वो कवर करते हैं और मैं टिपिकली जो है मिथ बस्ट करता हूँ। अब कल की वीडियो के बाद ना यार थोड़े से लोग गुस्सा हो गए, बोल रहे थे कि भाई अब ऐसे क्लाउड चेस वाले जो है वो न्यूज़ का मत रिपोर्ट किया करो। सीधी सी बात यह है यार, वो न्यूज़ देख करके ना लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई ये सच है कि वो सच है। तो मैं तो सच बताता हूँ भाई, मैं कुछ जो है वो क्लाउड चेस वेस नहीं कर रहे हैं अपन। एनीवेज, अगर आप ऐसी रेगुलरली जो है वो अपडेटेड रहना चाहते हैं फुटबॉल के न्यूज़ से, तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, जहाँ पे आपको डेली जो है वो फुटबॉल की जो है वो न्यूज़ और वीडियोस जो है वो देखने को मिलती है। आज के खबर में वी गोना टॉक अबाउट, सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो है वो म्यूरल जो है वो निकाला गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो है वो भाई साहब स्टेडियम के बाहर से, उसके बारे में जो है वो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि क्या है। सेकेंडली जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कंसेलो का जो है पुर्तगाल के कैंप में भैया हो सक झड़प टाइप का जो है देखने को मिला, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आगे जो है वो हम लोग ऑब्वियसली बात करने वाले हैं अर्जेंटीना वर्सेस यूएई, जहाँ 5-0 की जो है वो विक्ट्री अर्जेंटीना निकाल करके लेके आई है। एनीवेज गाइस, लेट्स बिगिन विद दी सबसे पहला खबर, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टेडियम के बाहर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड वन ऑफ दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो है वो म्यूरल निकालना। अब वंस अगेन फिर से वो रोनाल्डो का म्यूरल निकल रहा है, तो फिर से वो हल्ला हो गया कि भैया रोनाल्डो का म्यूरल निकल रहा है बिकॉज ही यू नो डिस्ड अगेंस्ट दी क्लब, ऐसा वैसा ये वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो था उस पूरे जो है वो भैया पोस्टर में बेकहम, कैंटोना और रोनाल्डो तीनों की जो है वो पोस्टर लगी हुई थी, नंबर 7 करके जो है वो एक एंडोर्समेंट कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो अब खत्म हो चुका है, प्रमोशन खत्म हो चुका है वो नंबर 7 वाले एंडोर्समेंट का एडिडास के साथ, तो उसको जो है वो निकाला जा रहा है भाई साहब वहां पे। एंड उसके रोनाल्डो के जो है वो चेहरे से पहले जो है वो कुछ लड़के लड़कों का भी जो है वो चेहरा लगा हुआ था, जो ऑब्वियसली मॉडल थे, उनका भी जो है वो निकाला गया था। जब उनका निकाला गया तब जो है वो न्यूज़ वाले रिपोर्टर लोग जाके जो है वो वीडियो नहीं बनाए, लेकिन जब रोनाल्डो का निकल रहा था तो जो जाके जो है भैया वीडियो वगैरह बना है और ऐसा दिखाया गया जैसे रोनाल्डो का निकाला गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरा म्यूरल को निकालना था, तो जो भैया जो है वो निकला है वहां से वैसा कुछ। रोनाल्डो को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है वंस अगेन टू यू नो get some more clicks। सेकेंडली वी गोना टॉक अबाउट ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो रोनाल्डो का कहानी हुआ है, उसके चलते पुर्तगाल के कैंप में भैया गहमा गहमी हुई है। कल मैंने आपको ब्रूनो फर्नांडिस और रोनाल्डो का जो हुआ था उसके बारे में मैंने बताया कैसा कुछ भी नहीं था। सिमिलरली एक और वीडियो निकल के आई थी जिसमें कंसेलो कैसे गला वाला पकड़ते हुए रोनाल्डो दिखा है और कंसेलो एकदम उसको रग ऑफ कर रहा है, जैसे उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कंसेलो को बात करने के लिए रोनाल्डो से। आज उस वीडियो से पहले की वीडियो निकल के आई है जिसमें ये क्लियरली दिखा है कि भैया फिलिक्स के ऊपर जो है वो कंसेलो ने एक थोड़ा सा हार्श टैकल टाइप का किया था, जिसको डिफेंड करने के लिए रोनाल्डो जा करके कंसेलो का ऐसे गला पकड़ रहे और बोल रहे हैं भाई थोड़ा आराम से खेल ले क्या कर रहा है, तो कंसेलो एकदम ऐसे था कि अरे हाँ ना यार ठीक है खेल दूंगा ना यार ठीक है ना यार ऐसे करके। तो मतलब बहुत ही फ्रेंडली जो है वो कहानी चल रही है, लेकिन वही फिर से जो है वो बवाल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है भाई साहब सभी फैंस और मीडियाज के द्वारा कि ऐसा है वैसा ये है वो है। वंस अगेन आप, मैंने आज शाम को, मतलब कल शाम को एक वीडियो अपलोड करी है रोनाल्डो के पूरे इंटरव्यू के बारे में, आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखो और अपन वेट करेंगे फाइनल इंटरव्यू आने का जो 90 मिनट का होने वाला है, उसमें जो है वो हम लोग एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेंगे कि कौन गलत कौन सही। ऑल्सो उस इंटरव्यू में एक ऐसा भी खबर निकल के आ रहा है कि मैसी के बारे में भी रोनाल्डो ने कुछ बातें करी है जिससे हेडलाइंस क्रिएट हो सकती है अकॉर्डिंग टू पियर मॉर्गन। तो अब मैसी के खिलाफ या फिर मैसी के फेवर में ऐसी क्या बात करी है रोनाल्डो, ये देखने वाली बात होगी। हमने अक्सर देखा है रोनाल्डो को मैसी की तारीफ करते हुए और कई बार एक आध दो बार रोनाल्डो को मैसी से ज़्यादा बड़ा प्लेयर बताते हुए अपने आप को, तो दोनों तरफ हमने रोनाल्डो का फेस देखा, एक तरफ मैसी का साथ भी एक तरफ मैसी के कंपटीशन में भी। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू में मैसी का साइड लेते हैं या फिर वो कंपीट वाला नेचर जो है वो रोनाल्डो का नजर आएगा। व्हाट्सएवर जो भी नेचर आएगा भैया, हमारे लिए तो व्यूज और क्लिक्स। एनीवेज भाई, अब बात कर लेते हैं भाई साहब हम लोग जो है वो अर्जेंटीना वर्सेस यूएई के बारे में। तो एक फ्रेंडली गेम था जिसको अर्जेंटीना ने 5-0 जीता है, मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था इसको और जितने भी भाई लोग आए थे वीडियो हमारा वॉच अलॉन्ग लाइव देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू आदर्श भाई वंस अगेन हमारे वॉच अलॉन्ग को ज्वाइन करने के लिए, कूल है फ्रॉम इंडिया, अमेजिंग इंस्टाग्राम पे पेज है, आप जाकर के चेक करें, मोर देन 20K फॉलोअर्स आई गेस, जरूर चेक करना फॉलो करना। बट हाँ, अर्जेंटीना वर्सेस यूएई 5-0 की विक्ट्री, जहाँ पे हमको जूलियन अल्वारेस की तरफ से गोल देखने को मिला, एंजल डी मारिया ने 2 गोल मारा, एक भैया मैसी ने मारा और आखिरी में जाते जाते कोरिया ने भी जो है वो एक गोल मार दिया। तो 5-0 की विक्ट्री हुई जिसमें खास पूरे समय तक तो मार्टिनेस को टेस्ट नहीं किया यूएई ने, और एक आध दो बार टेस्ट किया, लेकिन एक बार टेस्ट किया और
मार्टिनेस ने बहुत अच्छा सेव किया और उसके बाद जर्मन पेजिला जो एज एन सब्सिट्यूट आए थे गेम में उन्होंने ऑन दी लाइन जो है वो क्लियरेंस करी फॉर अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना बहुत सॉलिड नजर आई, वो चाहे अटैक हो चाहे डिफेंड हो, बट ज़्यादा टेस्ट यूएई ने नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा हो कि भाई अर्जेंटीना ऐसे जो है टीम जो वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है उनके साथ क्यों फ्रेंडली कर ली, किसी बड़ी टीम के साथ कर लेना चाहिए था। तो वर्ल्ड कप से पहले ऐसी छोटे मोटे टीम के खिलाफ आप फ्रेंडलीज खेलते हो और एक ऐसी टीम के खिलाफ फ्रेंडलीज खेलते हो जो आपके ग्रुप में जितने जो टीम्स है ना उससे थोड़ा सा जो है वो रेलिवेट हो पाए। जैसे अगर मैं पोलैंड के बारे में बात कर लूँ, दे आर प्लेइंग फ्रेंडली अगेंस्ट अ साउथ अमेरिकन नेशन, इधर इट्स चिली और फिर कोलंबिया, आई डोंट नो, बट एक साउथ अमेरिकन नेशन के खिलाफ उनका फ्रेंडली है जस्ट सो दैट वो एक साउथ अमेरिकन टीम के खिलाफ खेल करके देखें कि वॉट आर देयर चांसेस अगेंस्ट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी वही फिजिकल फुटबॉल खेलती जो साउथ अमेरिका के अदर नेशंस खेलते हैं, तो उनका फ्रेंडली साउथ अमेरिकन नेशन से है। सिमिलरली हमको सऊदी अरेबिया के साथ खेलना है ग्रुप में, तो सऊदी अरेबिया से थोड़ा सा क्लोज यूएई टाइप है, तो वो यूएई के खिलाफ खेल करके जो है वो टेस्ट करना चाह रहे थे अपने टीम को। खैर टेस्ट तो बहुत अच्छे से कर लिया, मैसी ने पूरा 90 मिनट खेला जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मेरे को, क्योंकि हमने हाफ टाइम पे ही देखा बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गए थे, वो चाहे डी मारिया हो गया, वो चाहे भाई साहब मिडफील्डर्स हो गए हमारे, पेरेडिस वगैरह भी जो है वो आखिरी में निकल गए, हमारे डिफेंडर्स भाई साहब ओटामेंडी निकल गया था बहुत समय के बाद ही, अपना जो है वो बहुत प्यारा गेम खेला अकुन्या जो हमारा लेफ्ट बैक है बहुत अच्छा खेला, उसके बदले मोलिना आ गए थे। तो ऐसे करके कम से कम नहीं तो 6-7 प्लेयर, जूलियन अल्वारेस भी जो है वो एक समय के बाद सब्स्टिट्यूट हो गया था, कोरिया आ गए थे उसके बदले, लेकिन मैसी और डी पॉल दो ऐसे प्लेयर्स थे जो पूरे 90 मिनट खेले हैं। अब ये मेरे को रीज़न जो है वो पर्टिकुलरली समझ में नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली ये रीज़न हो सकता है कि मैसी ने खुद बोला होगा कि भाई मेरे को पूरा 90 मिनट खेलने दे ताकि मैं अक्लेमेटाइज हो पाऊँ भाई साहब वहाँ के वेदर से, वहाँ के प्लेइंग कंडीशन से, कि भैया इतनी गर्मी में मैं खेल पाऊँगा कि नहीं खेल पाऊँगा, या फिर मैं एक पूरा गेम खेल करके जो है वो अपना गेम शार्पनेस वापस लाना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये मैसी ने खुद रिक्वेस्ट किया होगा लियोनेल स्कैलोनी से, नहीं तो कोई भी मैनेजर होता मैसी जैसे प्लेयर को जो है वो सब्स्टिट्यूट ज़रूर करता बिफोर द वर्ल्ड कप यू नो बिगिंस। पहला गेम होगा 22 तारीख को मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया के ही खिलाफ, 3:30 बजे जो है वो शाम को मैच होगा, जिसमें अर्जेंटीना की तरफ से हमको वंस अगेन एक ऐसी परफॉर्मेंस को देखने का उम्मीद है। 5-0 अगेंस्ट यूएई वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी जो है वो हमको शॉर्ट पासेस देखने को मिले, प्लेयर्स के बीच में केमिस्ट्री देखने को मिली। शुरुआत में थोड़ा सा अर्जेंटीना ढीली लग रही थी, लेकिन उसके बाद एक बार जब वो ग्रूव पकड़ा एक गोल पड़ने के बाद, उसके बाद जो है वो बहुत अच्छा खेले। नोटेबल परफॉर्मेंस ऑब्वियसली एंजेल डी मारिया, एंजेल डी मारिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अकुन्या जो है वो अंडररेटेड प्लेयर वंस अगेन हम उनको देखने को मिले, लेफ्ट बैक पर्टिकुलरली बहुत आगे चढ़ चढ़ के जो है वो असिस्ट वगैरह भी दे रहा था। रोड्रिगो डी पॉल ऑब्वियसली डिफेंस कर रहे थे मिडफील्ड से, और मैसी ऑब्वियसली बहुत अच्छे पासेस जो है वो जूलियन अल्वारेस को भी प्रोवाइड किया, और थ्रू आउट द गेम मैसी का जो है वो हमको रोल देखने को मिला अगेन विद अ गोल एज वेल। तो ये थी अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस पूरी। आई होप आपको मजा होगा आज की वीडियो देखने में, मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा ये वाला वीडियो यार, क्योंकि मैंने आज मेरे ख्याल से एक रोनाल्डो वाली वीडियो बनाई, उसको एडिट करी, फिर लाइव भी किया, और फिर अभी ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मेरे लिए आज का दिन काफी हेक्टिक था, तो ये वाली वीडियो को मैं थोड़ा सा लाइट रखा हुआ है। रियली होप सो आप समझोगे इस बात को। एनीवेज यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत चल रहा है चैनल के लिए। अगले महीने फिर से मैं थोड़ा ढीला पड़ जाऊंगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, 8-10 दिसंबर के इर्द गिर्द, क्योंकि मेरे एंटम एग्जाम्स आ जाएंगे, लेकिन इस महीने पूरे तरीके से पुश करना है। एनीवेज टिल नेक्स्ट वीडियो, मैसेज के साथ नंबर के रिपीज, जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।